दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट के बारे में। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं में आप इसका यूज कर सकते हैं, परफेक्ट डोज क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, उसके साथ ही कौन कौन सी फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी कवर करूंगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंचते रहें। दोस्तों अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर, जो कि पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, जिंक कोटेड है इसलिए जिंक भी इसमें आता है। नाइट्रोजन इसमें 20% होता है, टोटल फॉस्फेट 20%, वाटर सोलेबल फॉस्फेट 17%, सल्फर 13% और जिंक कोटेड है तो जिंक इसमें 0.5% आता है। दोस्तों नाइट्रोजन तीन फॉर्म में होता है, एमाइड, अमोनियम और नाइट्रेट, और पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में अपटेक करते हैं। इसमें अमोनियम फॉर्म में है तो एमाइड से अमोनियम में कन्वर्ट होने वाली प्रोसेस कम हो जाती है और डायरेक्ट अमोनियम से नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है और नाइट्रेट फॉर्म में पौधे अपटेक कर लेते हैं नाइट्रोजन को, यानी कि पौधों को जल्दी ही नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है और पौधे जल्दी हरे भरे दिखने लग जाते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब दोस्तों इसको फसलों में क्यों यूज करना चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और जिंक कोटेड है तो जिंक भी इसमें आता है, लेकिन मेन अगर सिंपल आप खरीदोगे अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होता है। तो इन तीन पोषक तत्वों का बेनिफिट आपकी फसलों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन के फसलों में क्या क्या बेनिफिट है, तो नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व होता है फसलों को हरा भरा रखने के लिए। शुरुआती स्टेज में बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। अगर बेल वाली फसलें हैं तो ज़्यादा दूरी में फैलनी चाहिए, खड़ी फसलें हैं तो हाइट अच्छी जानी चाहिए, ज़्यादा ब्रांचेज निकले, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकले, उसके लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। पौधे नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करते हैं जिससे क्लोरोफिल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करके हरे भरे रहते हैं। दूसरा इसमें मुख्य पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस प्राइमरी पोषक तत्व होता है। जिस तरीके से पौधे की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसी अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा और हेल्दी जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, उसके साथ ही जब ज़्यादा फुटाव होता है, ज़्यादा कल्ले निकलते, ज़्यादा शाखाएँ निकलते, तो उस टाइम फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि कोशिका विभाजन में जरूरी पोषक तत्व होता है फास्फोरस। जैसे आप 3G कटिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। फास्फोरस पौधों में उस टाइम ज़्यादा देना चाहिए। साथ ही फास्फोरस से स्टेम में, तने में मजबूती आती है तो फसलें गिरती नहीं है, जैसे गेहूँ, धान, सरसों वगैरह। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फास्फोरस के। और नेक्स्ट पोषक तत्व होता है इसमें सल्फर। सल्फर सेकेंडरी मुख्य पोषक तत्व होता है। अधिक गर्मी या अधिक ठंड में भी सल्फर पौधों को हरा भरा बनाए रखता है, यानी हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, फसलें सल्फर के उपयोग से हमेशा हरी भरी रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है जिसे क्लोरोफिल ज़्यादा मात्रा में बनता है। सल्फर के और भी किसान दोस्तों आप जानते होंगे बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है जिससे दाल की यानी कि दाने की साइज अच्छी बनती है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा बनती है अधिक जिससे कि दाने की साइज अच्छी बनती है और वजन अच्छा बैठता है। कंद वाली फसलों में सल्फर बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे प्याज, लहसुन वगैरह, आलू वगैरह में। आलू में भी अधिक स्टार्च की मात्रा बढ़ाएगा तो आलू की साइज अच्छी बनती है, यानी कंद वर्गीय फसलों में भी सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके साथ ही सल्फर बहुत अच्छा फंगिसाइड भी होता है। तो इस तरीके से सल्फर के बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों। सल्फर को हर फसल में आपको चाहे कैसे भी फसल हो जरूर यूज करना चाहिए। अब बात करो दोस्तों कि कौन कौन सी फसलों में इसको यूज करना चाहिए, तो सभी प्रकार के फसलों में वैसे तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन दलहनी, तिलहनी, कंद वर्गीय फसलों में इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अभी कपास है, मूंगफली की खेती की जा रही, तो इन फसलों में आपको जरूर यूज करना है क्योंकि एक तो अभी टेम्परेचर हाई है,
तो हाई टेम्परेचर हो लो टेम्परेचर हो, फसलों की बुआई के समय अगर यूज करते हैं तो फसलें हरी भरी रहती हैं, और हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर का फर्क फसलों पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसलिए इस टाइप की फसलों में आपको जरूर यूज कर लेना चाहिए। अब दोस्तों की फसलों की कौन सी अवस्था में इसको यूज में लेना चाहिए, तो सबसे अच्छा टाइम है कि बेसल रोज बुआई के समय आप यूज कर लें। बहुत ही अच्छा समय होता है क्योंकि उस टाइम नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो बराबर कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन और फास्फोरस 20-20%, तो इसलिए आप शुरुआती स्टेज में यूज कर लें बेसल रोज में। और इसकी प्राइस की बात करूं तो दोस्तों मेरे पास ये अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है अन्नदाता की, इस पे एमआरपी है 1475 रुपये, और मार्केट में ये लगभग 1400 रुपये के समथिंग अवेलेबल होता है। प्राइस दोस्तों इनकी अप डाउन होती रहती है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं इफको वगैरह के, तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, सभी कंपनियों के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, सेम प्रोडक्ट आता है, इनके जो न्यूट्रिशन आते हैं वो बिल्कुल सेम आते हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही मिलेंगे, तो आप किसी भी कंपनी का यूज कर लें। अब दोस्तों इसकी परफेक्ट डोज क्या है, फसलों में कितनी मात्रा में इसको उपयोग में लेना चाहिए, तो दोस्तों इसकी गर्मियों के समय डोज थोड़ी सी कम लेनी है, और सर्दियों के समय की फसलों में आप इसकी डोज ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी परफेक्ट डोज होती है 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर लें। अभी जैसे मैंने बताया मूंगफली कपास की बुआई का समय चल रहा है, तो आप 40 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज कर लेंगे, सफिशियंट रहेगा। और सर्दियों के समय की जो भी फसलें होती हैं, यानी ठंडे मौसम में आप कोई फसलों की बुआई करते हैं, तो 50 kg पर एकड़ के हिसाब से आप यूज कर लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट फसलों में देखने को मिलेगा। तो इसकी परफेक्ट डोज है 40 से 50 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। अब कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो ये अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट है, तो जितने भी सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर होते हैं उनका नाइट्रेट युक्त किसी भी फर्टिलाइजर के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं हो, उनके साथ में यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, उसके साथ ही SOP फर्टिलाइजर, तो इन किसी भी टाइप के सल्फेट युक्त फर्टिलाइजर है उनका आप कॉम्बिनेशन नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइजर के साथ में ना करें। इसका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है दोस्तों बायोजाइम, धन जाइम भी जिसे कहते हैं, तो उसके साथ में आप यूज करें, बहुत अच्छा फसलों में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसका उपयोग सबसे अच्छा रहता है कि फसल बुआई के समय उपयोग करें, तो उस टाइम बायोजाइम भी डालेंगे तो आपकी फसलों में और भी किसी भी तरीके के पोषक तत्व की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। तो बायोजाइम को आपको बेसल रोज में जरूर यूज करना चाहिए, कोई भी फसल हो उसके साथ में आप ये डाल दें, बेसल रोज में सफिशियंट रहेगा सिर्फ ये दो फर्टिलाइजर डालने से ही। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक बिना किसी रुकावट के फटाफट पहुँचते रहें। धन्यवाद।